हाय फ्रेंड्स, आपको स्वागत करुच्चे स्टडी विथ रिंकु साहू चैनल रे। फ्रेंड्स, एक क्लास रे आमे हिस्ट्री एवं पॉलिटी रो क्वेश्चन को डिस्कशन करबा, बीडी एग्जाम रो प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन को, एवं यह होची नाइन्थ नंबर पार्ट अटे। आपण जदि अन्य आठटी पार्ट को देखि ना ताले आम चैनल रो हिस्ट्री एवं पॉलिटी प्लेलिस्ट को जे देखि परबे, एवं हिस्ट्री रो थ्योरी क्लास देखबा पई चाहत ताले हिस्ट्री प्लेलिस्ट को, ज्योग्राफी रो प्लेलिस्ट को जाई आपण ज्योग्राफी रो देखि पारबे, सेमिति पॉलिटी रो प्लेलिस्ट को जाई पॉलिटी रो देखि पारबे। एवं हिस्ट्री एवं पॉलिटिकल साइंस रो या होची प्रीवियस रो क्वेश्चन रो सीरीज अटे, एवं एही सीरीज माध्यम रे आमे 2014 रो 2021 मसे पर्यंत समस्त क्वेश्चन को डिस्कशन करबा, एवं या होची नाइन्थ नंबर पार्ट अटे। आपण अन्य पार्ट को देखि ना ताले प्लेलिस्ट को जाई देखि पारबे। तेन आरंभ करबा, चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं टेलीग्राम ग्रुप रे डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि, आपण जॉइन हे पारबे। आरंभ करबा क्लास को। अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में वेरी, अर्थात आम कॉन्स्टिट्यूशन रो को आर्टिकल अनुसार सुप्रीम कोर्ट को सैलरी फाइनेंशियल इमरजेंसी समय रे बढ़ी पारे बा कमी पारे। यार सटिक आंसर हम 360 आर्टिकल अनुसार, 360 आर्टिकल अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, इंटू हाउ मेनी स्टेट और क्लासेस व्हाज द फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड ड्यूरींग द टाइम अफ फ्रेंच रिवल्यूशन। फ्रेंच रिवल्यूशन रे फ्रेंच सोसाइटी को केतेटी भाग में विभक्त करा जाइतिला, तीनोटी भाग में विभक्त करा जाइतिला। तेणु यार सटिक आंसर हम बी हेबो, तीनोटी भाग में फ्रेंच सोसाइटी को विभक्त करा जाइतिला। एवं प्रथम पार्ट रे प्रथम स्टेट रे कौन कहला, एवं सेठार पॉलिटिकल बॉडी को कौन कह स्टेट जनरल कह फ्रेंच रो। एवं प्रथम पार्ट प्रथम को माने आसुथिले, प्रथम जो मैंने आसुले से कहला क्लर्जी कहला, सेकेंड रे जो मैंने आसुले से नोबेल्टी कहला, और थर्ड रे समस्त 95% पीपुल आसुले कमन मैन कहला, लोअर क्लास मैंने आसुले से थर्ड पार्ट्रे। तेणु यार सटिक आंसर हो तीनोटी भाग में विभक्त कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, स्वामी विवेकानंद फाउंड आवर लंचेड द रामकृष्ण मिशन इन ह्विच इयर एमंग द फलोइंग। स्वामी विवेकानंद केवे से लॉन्च करते रामकृष्ण मिशन को, रामकृष्ण मिशन रो फाउंडर के अटंती स्वामी विवेकानंद अटंती, एवं केवे लॉन्च करते से 1897 मसीह 1897 मसीह लॉन्च करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आम कॉन्स्टिट्यूशन रे को फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी पार्लियामेंट्री फॉर्म, यार सटिक आंसर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सोशल रिफॉर्म ऑफ इंडिया हु स्टार्टेड द प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज किए स्टार्ट करते, प्रार्थना समाज स्टार्ट करते आत्मारंग पांडुरंग, सी हे यार सटिक आंसर आत्मारंग पांडुरंग कहते। कौ जगह करते, बॉम्बे ठारे करते। केबे करते, 31 मार्च 1867 मसीह, 1867 मसीह करते, 31 मार्च 1867 मसीह कौ जगह करते, बॉम्बे ठारे प्रार्थना समाज को आत्मारंग पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, इन ह्विच इयर डिड द जालियांवाला मैसेकर टेक प्लेस। जालियांवाला हत्याकांड केबे होइतिला, 13 एप्रिल 1919 मसीह, बी ए सटिक आंसर 13 एप्रिल 1919 मसीह। किए करते जालियांवाला हत्याकांड, पंजाब अमृतसर ठारे होता। किए करते जालियांवाला हत्याकांड, जनरल रीजनल ओ डायर, जनरल रीजनल ओ डायर करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय महात्मा गांधी टू मेंटेन हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन इंडिया। हिंदू मुस्लिम रो यूनिटी होता कौ मूवमेंट को गांधीजी सपोर्ट करिवार, खिलाफत मूवमेंट। यार सटिक आंसर हम खिलाफत मूवमेंट, केबे होता है खिलाफत मूवमेंट 1920 मसीह होता है। आम देश में कौन करते गांधीजी 1920 मसीह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधीजी करते, 1920 मसीह खिलाफत मूवमेंट किए करते, खिलाफत मूवमेंट किए करते 1920 मसीह मोहम्मद अली एवं शौकत अली करते, 1920 मसीह मोहम्मद अली और शौकत अली करते। कहीं करते खिलाफत मूवमेंट को, कहीं तुर्की रे कि मुसलिम मान मारी ब्रिटिश माने, से आम देश में खिलाफत मूवमेंट मुसलिम माने, एवं आम देश में गांधीजी करते नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा,
द इंडियन नेशनल आर्मी INA वाज ओरिजिनली फाउंडेड बाय इंडियन नेशनल आर्मी रो फाउंडर के अटंती कैप्टन मोहन सिंह यार सठिक आंसर हम कैप्टन मोहन सिंह केबे करथिले 1942 मसीह कौ जगह करपुर करते कैप्टन मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु फाउंडेड द विडो रिमेरेज एसोसिएशन इन 1850 1850 मसीह विडो रिमेरेज एसोसिएशन विडो रिमेरेज एक्ट नुहे या विडो रिमेरेज एसोसिएशन किए या 1850 मसीह। विष्णु शास्त्री पंडित यार सठिक आंसर हम विष्णु शास्त्री पंडित करते विडो रिमेरेज एसोसिएशन 1850 मसीह करते जदि विडो रिमेरेज एक्ट पचार जाए तो 1856 मसीह किए करते लॉर्ड कैनिंग पास करते हाँ ड्राफ्ट किए करते जदि पचार जाए तो लॉर्ड डेलहाउसी पास करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द फर्स्ट इंडियन रूलर हु जॉइन द सब्सिडरी एलायंस वाज किए प्रथम रूलर थे इंडियन रूलर थे जिकि सब्सिडरी एलायंस सिस्टम से जॉइन होते हैदराबाद रो निजाम ए हे यार सठिक आंसर हैदराबाद रो निजाम एवं ए सब्सिडरी एलायंस सिस्टम माने कौन अटे या किए इंट्रोड्यूस करते लॉर्ड वेलेसली इंट्रोड्यूस करते सब्सिडरी एलायंस सिस्टम को। सब्सिडरी एलायंस सिस्टम माने कौन अटे सब्सिडरी एलायंस सिस्टम माने इंग्रेज माने कौन कहते आम देशर राजा मान तुम मान आर्मी सब देवाई कहते जहाँ सैन्य सामंत थे आम देशर राजा मैंने दे आम देशर राजा मान सिक्यूरीटी किए रखे ब्रिटिशर मैंने रखे तहार मेन्टेनेंस जहाँ पैसा लगे किए देव आम देशर राजा मैंने देवे ताला सब्सिडरी एलायंस सिस्टम एवं यहाँ लॉर्ड वेलेसली इंट्रोड्यूस्ड करते प्रथम किए एक्सेप्ट करते हैदराबाद राजा हैदराबाद निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द जापानीज फोर्सेस अटैक द पर्ल हार्बर ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ऑन केबे अटैक करते जापानीज फोर्स अमेरिकार पर्ल हार्बर रे 7 डिसेंबर 1941 मसीह सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम द ईयर 1885 रु 1903 यह कौन कहला 1885 रु 1903 जोटा कि प्रथम पेज थिला ता कौन कहला ता कहला मॉडरेट नेशनलिज्म कहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा एथिरे कौन करुथले एथिरे लोक माने जो माने थिले कौन करुथले पिटीशन देउथले बा रिक्वेस्ट करुथले एथिरे 1885 रु 1903 मध्य से मडरेट नेशनलिज्म से पार्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच रेगुलेशन मेड इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन कंपलसरी इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल एंड कॉलेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश इरा इंग्लिश को मीडियम ऑफ एजुकेशन भाव में एड कर को एक्ट अनुसार यार सठिक आंसर हम माकालेट मिनुस कमिशन को कमिशन माकालेट मिनुस कमिशन अनुसार 1835 अनुसार सी हे यार सठिक आंसर माकालेट मिनुस कमिशन आम देश में से कौन कहते आम देशर लोक मान कलर चेंज हे ना कि समस्त चेंज हो माकालेट मिनुस किए आनी आम देश में विलियम बेंटिक आनी विलियम बेंटिक आनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ड्यूरींग द वर्ल्ड वार सेकेंड द मानहाटन प्रोजेक्ट व्हिच वाज यूएस गवर्नमेंट रिसर्च प्रोजेक्ट हेड कौटा अटे डेवलपमेंट द फास्ट एटॉमिक बम यार कौन थी एटॉमिक बम रो डेवलपमेंट करवा न्यूक्लियर वेपन या ये प्रोजेक्ट रो एम थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु एमंग द फॉलोइंग रोट ए बुक ओरिजिनली इन हिंदी नोन एज सत्यार्थ प्रकाश द लाइट ऑफ मीनिंग
ऑफ ट्रुथ सत्यात्म प्रकाश किए लिखी थे? सत्यार्थ प्रकाश बुक किए लिखी थे? यार सठिक आंसर है स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती लिखी थे। सी हे यार सठिक आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती। एवं से स्वामी दयानंद सरस्वती किए अटंती? आर्य समाज फाउंडर अटंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अंडर राइट टू फ्रीडम? राइट टू फ्रीडम अंडर आम कॉन्स्टिट्यूशन कौटा इनकरेक्ट कह जाए? राइट टू फ्रीडम विषय कौटे लिखा है? आर्टिकल 19 रु 22 आर्टिकल मध्य लिखा जाए। एवं केतोटी फ्रीडम दि जाए? पांचटी। फर्म एसोसिएशन और यूनियन सठिक अटे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एवं एक्सप्रेशन 19 रे लिखा है, 19(1) रे बा मु फ्री दोज द टेरिटरी ऑफ इंडिया यह मध्य सठिक अटे। असेंबली पीसफुल एंड विथ आर्म, विथ नुहे विदाउट आर्म, तेणु यार सठिक आंसर हम डी। इनकरेक्ट कोड अच्छे डी अच्छी, विथ आर्म नुहे विदाउट आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट ए मनी बिल शुड बी इंट्रोड्यूस्ड बाय? मनी बिल कौ जगह इंट्रोड्यूस्ड करा जाए आम कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार? लोकसभा। कौ आर्टिकल अनुसार? 110 आर्टिकल किए करते लोकसभा स्पीकर करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हु एमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर उत्तर प्रदेश इन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड ऑल्सो रोट ए फेमस बुक नोन एज द गोल्डन थ्रेसोल्ड? ए गोल्डन थ्रेसोल्ड बुक किए लिखी थे जिकि उत्तर प्रदेश प्रथम गवर्नर थे, वुमेन गवर्नर बा आम देशर मध्य थे? सरोजिनी नायडू। यार सठिक आंसर हम सरोजिनी नायडू। एवं सरोजिनी नायडू किए थे? आम देशर प्रथम इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस से प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अंडर व्हिच आर्टिकल राइट टू फ्रीडम इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? को आर्टिकल लिखा जाए राइट टू फ्रीडम को? आर्टिकल 19 रु 22 मध्य, तेणु यार सठिक आंसर हम आर्टिकल 19। एवं एथरे केते फ्रीडम दिया छि? पांचटी, 19 20 21 ए एवं 21 एवं 22। एवं आर्टिकल 19 रे केते दि दिया छि? 6टी। प्रेस को मध्य आर्टिकल 19 र ए पार्ट रे दिया जाय छि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द गार्डियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ पीपल फंडामेंटल राइट? कोटा हमरो कोटा गारंटी देते आम कॉन्स्टिट्यूशन कोई जगह आमको गारंटी दि जाएगी प्रोटेक्टर अटे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द गार्डियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ पीपल फंडामेंटल राइट इन इंडिया? फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करते सहित गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह कह यार आंसर आप कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ। एवं वीडियो को लाइक करना तेल लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तेल सब्सक्राइब करूँ, टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन ना तेल जॉइन हूँ। एवं अन्य 8 पार्ट को देखी ना तेल आम चैनल हिस्ट्री और पॉलिटी प्लेलिस्ट को जे देखिपारे, तेणु थैंक यू।